हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, .NET और भी बहुत से लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रकार की मेथोडोलॉजी है जिसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। इसमें सभी प्रॉब्लम्स को एक एंटिटी के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है। यहाँ पर प्रोग्राम डिजाइनिंग और भी सिंपल हो जाता है और सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट और भी सरल तरीके से किया जा सकता है। इसमें मेन गोल पर आसानी से फोकस किया जा सकता है। इसके कई फायदे हैं, हम इसके एक एक कॉन्सेप्ट समझते हैं ताकि हम समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो किया जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो एक प्रकार की मेथोडोलॉजी है, टेक्निक्स है, कैसे उनका यूज़ प्रोग्राम में करने में हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है, किसी भी लैंग्वेज में हम जो जहाँ पर इसका यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जो सपोर्ट करते हैं लैंग्वेजेस, उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे हमको पहले समझना होगा कि कौन कौन से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज़ होते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि क्लास ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाया जाता है, उसी तरीके से इसके कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। स्टार्ट करते हैं पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट में। क्लास और ऑब्जेक्ट, ये सबसे पहले हैं। उसके बाद और भी इसके फीचर हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, उसको हम आगे और समझेंगे। सबसे पहले चूंकि क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इसलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है तो क्लास वो जगह होती है जहाँ पर उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बिहेवियर को, उसके एट्रीब्यूट को डिफाइन किया जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट द्वारा उस टेम्पलेट को, क्लास जो कि एक टेम्पलेट है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है रियल वर्ल्ड में। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास का इंस्टेंस होता है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल से क्लास और ऑब्जेक्ट को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। ऑब्जेक्ट डेटा और फंक्शन से मिलकर बना होता है और उसी तरीके से जो क्लास होता है वो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। मींस एक ही क्लास के एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसको हम सिंपल एग्जांपल से अगर समझना चाहे तो माना कि एक मोबाइल ऑब्जेक्ट है तो उसके जो फीचर्स हैं, जैसे अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो मॉडल, इसके एट्रीब्यूट, इसके मॉडल नेम, इसका कलर, इसी तरीके से इसका मॉडल नेम, इसका कलर, इसका प्राइस, ये सभी इसके लिए एट्रीब्यूट होंगे। इसी तरीके से इसका फंक्शनलिटी, अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो कॉल करना या फिर वीडियो, ऑडियो, ये सब प्ले करना, ये सभी इसके फंक्शंस हुए। तो हम अगर बात करें इसके एट्रीब्यूट के, तो इसका कलर क्या है या फिर इसका प्राइस क्या होगा, इसका मॉडल नंबर क्या होगा, ये सभी एट्रीब्यूट और इसके जो फंक्शंस है उनको एक क्लास के अंदर रखा जा सकता है। मतलब एक टेम्पलेट होता है जिसके अंदर इसके एट्रीब्यूट्स, इसकी फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगा ये डिफाइंड होते हैं, लेकिन उनको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया जाता है इस मोबाइल द्वारा, जो कि ऑब्जेक्ट है। तो ये इसके लिए एक टेम्पलेट है, फिर ऑब्जेक्ट द्वारा हम उसे रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं। मीन्स
जो क्लास होता है उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, उसकी फंक्शनलिटी, वो कैसे काम करेगा, ये सभी डिफाइन होते हैं, और ऑब्जेक्ट उसकी बेसिस पे ही आउटर वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में उसे इम्प्लीमेंट करता है, वो क्लास का इंस्टेंस होता है। क्लास उसके लिए एक प्रकार का डेटा टाइप हो गया, ये क्लास टाइप का वेरिएबल भी इसको कहा जा सकता है। तो ये इस तरीके से जब एक ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट अपने आप में हर एक क्लास का, एक क्लास का एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर डेटा और फंक्शन रखता है, अपने लिए इंडिविजुअल डेटा और फंक्शन रखता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये डेटा और फंक्शन से मिलकर बना होता है, जिसे आउटर वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करता है, जबकि क्लास केवल उसके लिए एक प्रकार का टेम्पलेट है। जब कभी क्लास हम बनाते हैं तो तब वो मेमोरी क्रिएट नहीं होती, मेमोरी या मेमोरी में जो स्पेस होता है वो तब लेता है जब उसका ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, क्योंकि क्लास एक टेम्पलेट है जहां उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, उसकी फंक्शनलिटी, ये सब डिफाइन होता है, और ऑब्जेक्ट द्वारा ही उसे आउटर वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। इसके एक सिंपल एग्जाम्पल से और हम समझ सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट, तो एक कार ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसी तरीके से उसके एट्रीब्यूट होंगे, उसका कलर, उसका मॉडल नंबर, जबकि उसको स्टार्ट करना, उसको मूव करना, उसको स्टॉप करना, ये सभी उसके फंक्शन होंगे। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट इनसे मिलकर बना होता है जो रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन ये जो फंक्शंस है या जो इनके एट्रीब्यूट्स हैं, यानी इसका बिहेवियर एक टेम्पलेट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, जिसे हम क्लास कहते हैं, जहां पर इसके एट्रीब्यूट्स, इसके फंक्शन किस तरीके से वर्क करेंगे, वो पूरी पूरी डेफिनेशन उसकी क्लास में एक टेम्पलेट के रूप में होता है। तो इस तरीके से जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले उसके लिए एक टेम्पलेट तैयार किया जाता है, क्लासेस में उसके बिहेवियर, उसके फंक्शनलिटी सब बनाए जाते हैं, और बाद में उसका ऑब्जेक्ट बनाकर उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्राम बनाकर उसके डिज़ाइन को और भी सरल किया जाता है, और उसमें जो मेन फोकस होता है उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट के रूप में डिवाइड करके उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस किया जाता है। आगे और भी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में समझते हैं हम। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को हिंदी में उत्तराधिकारिता बोलते हैं। इनहेरिटेंस मीन्स ये होता है कि जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट के सभी फीचर्स को या उसके एट्रीब्यूट्स को डिराइव कर सकता है। इट मीन्स मान लीजिए आपके पास कोई क्लास ए है, तो दूसरा क्लास बी, इसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स है क्लास के अंदर या जो भी फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं, वो उसको वहाँ पर अपने अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सकता है, मतलब ऐड कर सकता है। तो इस तरीके से एक क्लास द्वारा दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट को एक्वायर करना, उससे ग्रहण करना या उसको अपने अंदर लेना, ये इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस का सिद्धांत रीयूजिबिलिटी में भी होता है, मतलब रीयूजिबिलिटी भी से बोल सकते हैं कि ऑलरेडी जो कोड डिफाइंड हुए हैं आप उनका यूज़ दोबारा ना लिख के सीधे सीधे दूसरे क्लास में उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस के द्वारा ये जो फीचर होता है इसके द्वारा प्रोग्रामिंग में और भी इजी हो जाता है। जब हम प्रोग्राम करते हैं और ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन और एट्रीब्यूट है तो हम उसके दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब एक क्लास के एट्रीब्यूट को दूसरे क्लास में डिराइव कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही फीचर है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स ये होता है कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया और वो फंक्शन आउटर वर्ल्ड में डिफरेंटली यूज किया जा सकता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म का सिद्धांत होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सपोज आपका फंक्शन नाम है उसका शेप, मतलब उसका एक्सटर्नल जो इंटरफेस है वो एक होते हुए भी, इंटरनल
उसका एक्सटर्नल शेप, एक्सटर्नल जो इंटरफेस है वो एक होते हुए भी वो डिफरेंट इंटरनल आर्किटेक्चर को शेयर करते हैं। इसका मतलब मान लीजिए कि शेप नाम का आपके पास कोई फंक्शन है और इसके द्वारा आप सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल सभी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स आपका जो फंक्शन है उसका नाम तो सेम है लेकिन आउटर वर्ल्ड में उसे डिफरेंटली अलग अलग प्रकार से यूज किया जा सकता है। ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रोसीजर रन होता है या प्रोसीजर कॉल को जब हम रन करते हैं तो वो डायनेमिकली रन होता है। इट मीन्स जब प्रोसीजर को रन किया जाता है तो रन करने से पहले उस कोड से बाइंड नहीं होता, रन करने तक उसे ये पता नहीं होता कि कौन से कोड से वो बाइंड होने वाला है। पॉलीमॉर्फिज्म के सिद्धांत पे ये लागू होता है जिसे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया शेप और वो कई प्रकार के शेप डिजाइन कर सकता है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, तो जब वो एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूट होने तक उसे पता नहीं होता कि उसे ड्रा क्या करना है, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। जब वो एग्जीक्यूट होता है और पैरामीटर सप्लाई किया जाता है तब वो एग्जैक्टली किसी कोड से बाइंड होता है और वो एग्जीक्यूट होता है। मतलब प्रोग्राम को रन होने तक पता नहीं होता कि कौन से कोड से वो बाइंड होने वाला है, प्रोसीजर कॉल को ये पता नहीं होता। वो डायनेमिकली उसी समय बाइंड होता है जब वो रन होता है और पैरामीटर सप्लाई होते हैं। तो इस तरीके से इस सिद्धांत को हम बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। आगे बढ़ते हैं मैसेज पासिंग या फिर मैसेज कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, मैसेज कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो क्लास होता है वो एक टेम्पलेट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट के लिए एट्रीब्यूट और उसके बिहेवियर जो भी उसके फंक्शनलिटी वो डिफाइन होते हैं, ऑब्जेक्ट उसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करता है। तो जब प्रोग्राम रन होता है तो एक से अधिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट आपस में मैसेज पास करते हैं, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए वो मैसेज पास करते हैं। मीन्स आप सबसे पहले एक टेम्पलेट बनाते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आपस में मैसेज पासिंग के द्वारा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं और टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेशन के लिए मैसेज पास करता है जिसके द्वारा वो कम्युनिकेशन स्टेबलिश, आपस में कम्युनिकेशन स्टेबल करता है। तो ये सिद्धांत कहलाता है मैसेज कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है और C++ भी। अंतर इतना है कि C++ जो है वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है जबकि जावा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो हम जो जावा पढ़ने वाले हैं उसमें उसके लिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा ये C++ के लिए भी सेम होगा क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दोनों में ही जब आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप क्लासेस में उसके लिए बिहेवियर मतलब उसके डेटा और उसकी फंक्शनलिटी जिसको हम मेथड बोलेंगे, मेथड आप बनाएंगे जिसको आप रियल वर्ल्ड में प्रोग्राम में जब इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्योंकि मेमोरी में स्पेस तब तक नहीं बना होता जब तक आप क्लास बना रहे होते हैं, क्लास बनने के बाद जब हम उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब वो मेमोरी में स्पेस लेता है। इस तरीके से बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम करते हैं जो कि आसानी से डिज़ाइन किया जा सकता है। इसके अलावा इसके जो फीचर हमने पढ़ा जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सभी इसके बेसिक फीचर हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होते हैं। अब मैसेज कम्युनिकेशन, इसके आगे और भी इसके फीचर हैं, इसको हम पढ़ते हैं। अगला फीचर है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन और एक और फीचर है उसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं, एब्स्ट्रैक्शन।
एब्स्ट्रैक्शन। तो इनकैप्सुलेशन का मीन्स ये होता है कि इनकैप्सुलेशन में किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो डेटा और फंक्शन होते हैं उसको एक ही जगह कैप्सुलेट करके रखा जाता है, आउटर वर्ल्ड से बचा के एक कैप्सूल के रूप में रखा जाता है। मीन्स अगर इसको क्लास बोला जाए तो क्लास के अंदर ही इस तरह की से एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी उसमें वर्क करने वाले डेटा हैं और जो भी उसके मेथड हैं या फंक्शन हैं उनको इस तरीके से कैप्सुलेट करके रखा जाता है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ही ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट जो कि किसी डेटा पर जिसके द्वारा वर्क करना है उससे रिलेटेड जो भी डेटा और जो भी मेथड्स हैं उनको एक ही जगह कैप्सुलेट करके रखा जाता है। और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि इंटरनल जो डिटेल्स है उसको यूज़र से हाइड करते हुए जो उसके नेसेसरी जो जानकारी है, जो नेसेसरी उसकी इंफॉर्मेशन है वो केवल प्रोवाइड की जाती है। मीन्स इंटरनल जो डिटेल्स है उसको हाइड किया जाता है। जैसे हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं लेकिन हमको इससे मतलब नहीं होता कि वो एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है, हम केवल स्विच ऑन करते हैं लाइट ऑन हो जाता है, ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है। इंटरनल जो उसकी प्रोसेस है, इंटरनल वर्क है, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं तो उसके इंटरनल वर्क से हम अलग होते हैं, हमको उससे इंटरनल वर्क नहीं पता होता, केवल हम ऊपर से ही केवल उसके मोबाइल या फिर उसके जो फंक्शन होते हैं उसको यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन का जो सिद्धांत है वो ये, इसका मतलब ये है कि जो नेसेसरी डिटेल्स है केवल वो दिखाई जाती है जबकि इंटरनल जो डिटेल्स होते हैं उसको हाइड किया जाता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हुए या बेसिक कॉन्सेप्ट हुए जिसको हमने आज पढ़ा। आगे हम जावा के बारे में और भी टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।